जी देखिए क्या है कि लैंग्वेज रीजन्स की होती है, रिलीजन्स की हो ही नहीं सकती भाई। पंजाब की ज़बान पंजाबी है, बंगाल की ज़बान बंगाली है, गुजरात की ज़बान गुजराती है, तमिलनाडु की ज़बान तमिल है, फ्रांस की ज़बान फ्रेंच है, इंग्लैंड की ज़बान इंग्लिश है, वगैरह वगैरह। ये एक झूठ बोला गया कि लैंग्वेज जो है वो एक रिलीजन की होगी। ये किस रिलीजन की है? इसलिए कि जो टू नेशन थ्योरी जिसकी वजह से इस मुल्क के टुकड़े हुए वही झूठ थी और ये उसका एक हिस्सा है। इन्होंने जो राइट विंग मुस्लिम था और जो राइट विंग हिंदू था, इन्होंने हिस्ट्री के दो वर्जन बनाए। एक ने बताया कि जितने मुसलमान हैं वो सब, वो जो जो राइट विंग मुसलमान थे खुश थे, हम सब महमूद गजनवी के घोड़े पर बैठ के आए थे, और जो राइट विंग हिंदू है वो कहता है ये सब महमूद गजनवी के साथ आए थे। दोनों झूठ बोल रहे हैं। खैर वो एक लंबी कहानी है। तो ये एक हिस्ट्री बदल दी गई सब कुछ। अब ज़बान को क्या करें, ज़बान को कैसे बदले कि जो लिविंग प्रूफ था कॉम्पोजिट कल्चर का, जो लिविंग प्रूफ था कि टू नेशन थ्योरी झूठ है। अब ऐसा तो कर नहीं सकते थे कि एक काम करो, वर्ब पाकिस्तानियों को दे दो, नाउन हम रख लेते हैं, या नाउन उन्हें दे दो, वर्ब हम रख लेते हैं। तो इसे एक तरफ ढकेलना ही था, और इन्हें जो फनेटिक मुसलमान था उसको भी प्रूफ करना था कि हम, हमारी आइडेंटिटी अलग है। ये उर्दू कौन सी ज़बान है? 1798 में पहली दफ़ा इसी शहर दिल्ली में एक स्कॉलर थे शाह अब्दुल कादिर, जिन्होंने कुरान का तर्जुमा उर्दू में किया। एज लेट एज 1798, मतलब एक सवा 200 साल पहले, विच इज़ नथिंग। कुरान का ट्रांसलेशन सिंधी में उससे 700 साल पहले हो चुका था। जब उन्होंने कुरान का तर्जुमा शाह अब्दुल कादिर ने उर्दू में किया, तो जितने उस जमाने के इमाम थे सब ने कुफ्र का फतवा दे दिया उसे कि ये आदमी बेशरम, ऐसी मुकद्दस ऐसी पवित्र किताब का इस गंदी जबान में तर्जुमा किया उसने। ये उर्दू 1798 से एक 50 साल बाद इसके सर पे टोपी रख दी गई और दाढ़ी चिपका दी गई इसके। ये वो जबान है, आपको मैं इसके बारे में बताऊँ, एंड आई एम सेइंग इट विद ग्रेट प्राइड, कि दुनिया में जितनी ज़बानें हैं उनकी पोइट्री हमेशा रिलीजियस पोइट्री से शुरू होती है। वो चाहे लैटिन हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे इंग्लिश, वो हिम्स होंगे, डेटीज की तारीफ में होगा, भजन होंगे, उसके बाद धीरे धीरे पोइट्री में दूसरे टॉपिक्स आते हैं। उर्दू इज़ वन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एंड आई एम सेइंग विद टोटल कॉन्फिडेंस, जिसकी पहले दिन से शारी एंटी रिलीजियोसिटी थी, एंटी फंडामेंटलिज्म थी। आप ये देखिए कितना बड़ा झूठ साबित हुआ कि 10 करोड़ मुसलमान जो बांग्लादेश में थे, उन्होंने कहा हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हम बंगला पढ़ेंगे, मेरी मादरी जबान उर्दू है, बट आई एम विद देम। उनको पूरा राइट है अपनी मदर लैंग्वेज टंग पढ़ने का, और उन्हें कोई नहीं मजबूर कर सकता है कि उर्दू एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन मदर टंग पढ़े। जब 10 करोड़ ने कह दिया 7 करोड़ से कि हमें उर्दू नहीं पढ़नी, हमें बंगाली पढ़नी, उसके बाद किस मुँह से कोई कह सकता है कि उर्दू मुसलमानों की जबान? क्या बात, क्या बात। मुझे यहाँ ज़्यादातर लोग जो बैठे हैं उनमें से अक्सर पंजाबी होंगे, ज़्यादातर लोग हैं। मुझे आप लोगों से एक शिकायत है, उर्दू आपकी ज़बान थी, जितना अच्छा लिटरेचर पिछले 100 साल में प्रोड्यूस हुआ है उर्दू में, उसका मेजर हिस्सा पंजाब से आया है। पंजाब ने बड़े राइटर पैदा किए हैं। आपने मान कैसे लिया कि ज़बान आपकी नहीं है? वो तो कश्मीर पे भी दावा करते हैं और उर्दू पे भी दावा करते हैं, दोनों दावे गलत हैं। तो मैं यहाँ पर जो नौजवान पंजाबी लड़के लड़कियाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों की ज़बान है, तुमने कृष्ण चंद्र पैदा किया है, तुमने फैज पैदा किया है, तुमने इकबाल पैदा किया है, तुमने रान सिंह बेदी पैदा किया है, ये तुम्हारी ज़बान है, तुम इसे छोड़ कैसे रहे हो? And you must learn this language and keep it alive.